जाहिर है कार्यक्रम में नजर डालते हैं देश दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पसंदीदा अखबार की उपसंपादक एना सारेवा की संदिग्ध तरीके से मौत हो गई है। पुतिन समर्थक एक अखबार की उपसंपादक 35 वर्षीय एना सारेवा की मौत मॉस्को में उनके अपार्टमेंट में ही हुई। सोशल मीडिया पर दावा किया गया था कि एना की मौत से ठीक एक साल पहले अखबार के संपादक की भी मौत संदिग्ध तरीके से ही हुई थी। चीन और ताइवान के बीच तनाव दिनों दिन बढ़ रहा है और माना जा रहा है कि जल्द ही चीन ताइवान पर हमले जैसा कोई बड़ा कदम उठा सकता है। हालांकि चीन अगर ऐसा करता है तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। दरअसल चीन हिंद महासागर में फंस सकता है। सुरक्षा मामलों के जानकारों का मानना है युद्ध की स्थिति में चीन की तेल की सप्लाई को हिंद महासागर में बाधित किया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अमेरिकी हाउस ने बुधवार को उनके बेटे हंटर बाइडेन के अंतर्राष्ट्रीय सौदों को लेकर उनके खिलाफ महाभियोग जांच को मंजूरी दे दी। इस कदम को बाइडेन ने राजनीतिक स्टंट बताया है। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पीएम मोदी ने सादगी की मिसाल दी। जब पीएम मंच पर पहुंचे तो राज्यपाल को शपथ दिलानी थी, वहां टेबल पर माइक नहीं था। पीएम ने तभी खुद ही टेबल खिसका दी। पीएम को देख मदद के लिए जेपी नड्डा समेत कई नेता आगे आए। संसद के शीत सत्र के 9वें दिन संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर विपक्ष की तरफ से हंगामे के आसार हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने से ठीक पहले सांसदों के साथ बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, अनुराग ठाकुर समेत कई अन्य मंत्री और सांसद मौजूद रहे। संसद में हुई सुरक्षा चूक के मामले के आरोपी गुरुग्राम के सेक्टर 7 स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के मकान नंबर 67 में ठहरे थे। आरोपी यहां विक्की शर्मा के मकान में रुके थे। आरोपियों के बैग विक्की के घर से मिले हैं। आरोपी अपना बैग वहीं छोड़कर भाग गए। वहां पर मंगलवार की रात 5 लोग ठहरे थे, जिसमें विक्की की बेटी सागर शर्मा को जानती है। और अब बात करते हैं प्रदेश की प्रमुख खबरों की। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ी बोली का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद संभव हुआ है। एनआईटी हमीरपुर के शोधार्थियों और विशेषज्ञों ने इसमें सफलता हासिल की है। एडवांस्ड कंप्यूटर की मदद से कांगड़ी बोली के अनुवाद के लिए एक मॉडल विकसित किया गया है। हिमाचल प्रदेश भाषा एवं संस्कृति विभाग ने भी इस प्रोजेक्ट में मदद की है। प्रथम चरण में 2,00,000 कांगड़ी वाक्यों का अनुवाद किया गया। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के रामपुर विकास खंड की पंचायत मुनीश में गुरुवार सुबह हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी एचआरटीसी की बस अनियंत्रित होने के बाद सड़क पर पलट गई। हादसे में 2 यात्री घायल हुए हैं। गनीमत रही बस खाई में नहीं गिरी, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम व एम्बुलेंस घटनास्थल के लिए रवाना हुए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल दौरे पर आएंगे। जानकारी के अनुसार शुक्रवार 15 दिसंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष विजयपुर बिलासपुर पहुंचेंगे, जहां उनका रात्रि ठहराव होगा। 16 दिसंबर को सुबह 10 से 12 बजे तक बिलासपुर में नड्डा का अभिनंदन कार्यक्रम होगा। उसके बाद वह बिलासपुर से सुंदरनगर सड़क मार्ग से जाएंगे। और अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। हिमाचल के बाद अब 4 बड़े राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में बनी नई सरकारों से हिमाचल भाजपा के एक फैसले पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। देश के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अब अपने गृह राज्य हिमाचल में लोकसभा चुनाव के लिए बिसात तैयार करेंगे। गोबर खरीद योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पशुपालन विभाग और कृषि विभाग के 2 नोडल अधिकारी नियुक्त हुए हैं। और अब बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ की। पिछले 2 दशकों से हिमाचल ने निजी निवेश को राज्य की अपेक्षाओं और वित्तीय व्यवस्था का साधन माना है। इस लेख को आप निवेश से स्वरोजगार तक शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा महाभारत का जीवन दर्शन पीके खुराना का लेख भी यहां छपा है। गरीबी और घोटालों से त्रस्त इंडिया अनुज आचार्य का लेख आप यहां पढ़ सकते हैं। और छिलकों की छाबड़ी में सुरेश सेठ का लेख भाई ये कैसी सदी आई आप पढ़ सकते हैं।
और कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं रोजगार की। भारतीय स्टेट बैंक ने सर्किल आधारित अधिकारी के 5,280 पदों पर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो पंजीकरण से चूक गए थे उनके पास आवेदन करने का एक और मौका है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर इन भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 17 दिसंबर है। जाहिर है कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।